सब्सक्राइब कीजिए सोनिया बाटन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और बहुत ही क्विक रेसिपी, और ये है बहुत ही डिलिशियस अरबी की सूखी सब्ज़ी। ऐसे तो मैं एक और अरबी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने सूखी सब्ज़ी ही बनाकर दिखाई थी अरबी की, लेकिन ये बनती है थोड़े डिफरेंट स्टाइल से, यानी कि इसमें अरबी को उबाला जाता है और फिर बनाया जाता है। बहुत ही क्विक ईजी सी रेसिपी है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ली है आधा किलो अरबी। ये ध्यान रखें कि अरबी कुछ इस तरीके की गोल होनी चाहिए शेप में, जिससे कि बहुत आसान हो जाता है इसको पील ऑफ करना बाद में। अब प्रेशर कुकर में इसको उबाल रही हूँ, सिर्फ एक सीटी लगाऊंगी और उसके बाद 5 से 7 मिनट तक प्रेशर में ही रहने दिया था, स्टीम में ही मैंने इसको रहने दिया, और उसके बाद प्रेशर रिलीज़ करके खोल लिया है ढक्कन। चेक कर लेते हैं अब कि अरबी हमारी गल गई है या नहीं। अरबी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, तो मैंने इसको निकाल लिया है छन्नी से और इसको अब ठंडा करेंगे एक सेपरेट प्लेट में रखकर। तो गोल आकार की अरबी ली है, तो बहुत ही आसानी से पील ऑफ भी हो जाती है, साथ साथ बहुत ही इजी से कट होकर। इस रेसिपी के लिए स्पेशली इस तरीके की अरबी बहुत ही ज़रूरी है। अगर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी या 2-3 पार्ट में डिवाइडेड अरबी लेंगे तो वो अच्छे से कट नहीं कर पाएंगे बाद में हम। तो अरबी ठंडी हो गई है, तो बहुत ही आसान हो गया इसका छिलका हटाना, आप देख सकते हैं। और छिलका हटा के अरबी को मैं सेपरेट प्लेट में, सेपरेट बाउल में रखती जा रही हूँ। तो इस तरीके का अगर कोई रॉटन सा पार्ट है, कोई ख़राब हुआ हुआ पार्ट है, तो आप उसको नाइफ से कट कर सकते हैं ऐसे। और उसके बाद इस तरीके से मैंने बाउल में रख ली है सारी अरबी। अब एक एक अरबी लेंगे हम, इसको आप एक पार्ट में या 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं इसको, इस छोटी जो अरबी है उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, और हाथों से बस इसको हमें करना है इस तरीके से प्रेस। तो हाथों को आप थोड़ा सा गीला करें और उसके बाद इस तरीके से प्रेस कर दें, जिससे बाद में जो मसाले हम इसमें ऐड करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से जज्ब हो जाते हैं अरबी में और बहुत ही डिलिशियस बनती है। तो इस तरीके से प्रेस करते जाएँ और इसको रखते जाएँ एक प्लेट में। हाथों को गीला करने से बस ये हो जाता है कि अरबी हाथ में चिपकती नहीं है। तो सारी अरबी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी और उसके बाद हम इसको मसालों के साथ बनाएंगे। तो अरबी मैंने काट कर तैयार कर ली है। अब मैंने एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल को कर लिया है गरम, उसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं 1 चम्मच अजवाइन और साथ साथ ये 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें। तो ये हरी मिर्चें जब हम तेल में फ्राई कर लेते हैं तो बहुत ही डिलिशियस लगती हैं, तो इसलिए आप हरी मिर्चों की क्वान्टिटी चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। और साथ साथ ही अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो कटी हुई और उबाल कर अरबी हमने तैयार करी थी उसको भी। तो इसको तेल में इस तरीके से थोड़ा फैला लिया है मैंने, और उसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक एक करके सारे मसाले। अजवाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अरबी का, क्योंकि अरबी में होती है थोड़ी सी बादी, तो अजवाइन बहुत ही बढ़िया रहता है बादी वाली सब्जियों के लिए, स्पेशली अरबी के लिए। नमक ऐड कर दिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ साथ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 चम्मच इसमें जा रहा है ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, साथ साथ ही इसमें जा रहा है 1 चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि अमचूर। तो अमचूर हमने इसमें ऐड कर दिया है, और अब जो हमारी अरबी चिपकने की जो अरबी की टेंडेंसी होती है, वो अमचूर डालते ही आप बिल्कुल अलग अलग होने लग जाती है अरबी, यानी कि बिल्कुल चिपकती नहीं है अरबी। तो सारे मसाले अच्छे से डालकर एक बार मिक्स कर दिया है मैंने, और उसके बाद बस अब लो फ्लेम कर देंगे हम इसको, और लो फ्लेम पर अरबी को अच्छे से पकाएंगे। साथ साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 1/2 चम्मच हींग यानी कि एसोफेटिडा, और मिक्स कर दिया है सारे मसालों को, और अब बस बिल्कुल लो फ्लेम करके ढक्कन ढक देंगे। करीब 4-5 मिनट तक एक साइड पकने देंगे हम अरबी की। तो ये लो फ्लेम पे पकाई है बिल्कुल, और आप देख सकते हैं पूरे 5 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे पका लिया है, और उसके बाद अब मैं इसको इस तरीके से कर रही हूँ साइड टर्न। तो अरबी हमारी ऑलरेडी पकी हुई है, बस अब हमें इसको करना है कुरकुरा, मसालों के साथ इसको भूनना है अच्छी तरीके से, जिससे कि बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी सी बन जाए अरबी। और ये मैं टर्न कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि नीचे की लेयर काफ़ी अच्छी ब्राउन क्रिस्पी सी कोटिंग आ गई है अरबी पे, और इसी तरीके से हमें दोनों साइड अरबी की पकानी है। तो एक साइड हमने अच्छे से पका ली है, और अब मैं टर्न कर रही हूँ, और उसके बाद अब दूसरी साइड हम अच्छे से पकाएंगे 2-3 मिनट तक और। और ये आप देख सकते हैं जब दोनों साइड्स अच्छे से पक गई हैं, तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये 1/2 चम्मच गरम मसाला, साथ साथ कटा हुआ बारीक धनिया, और इसको बस अब हम मिक्स करेंगे और 1-2 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे, और उसके बाद इसको गर्मा गर्म हम कर सकते हैं सर्व। तो ये धनिया इसमें ऐड कर दिया है, और एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं धनिया ऐड करके। तो ये अच्छे से मिक्स मैंने कर दिया है,
और बिल्कुल रेडी है अभी अरबी सर्व करने के लिए। तो फटाफट से मैं इसको कर लेती हूँ प्लेट आउट। ये जो डिलीशियस सी अरबी आप एज अ लंच बॉक्स रेसिपी भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस है, सूखी सब्जी है तो लंच बॉक्स में बहुत बढ़िया रहती है। साथ साथ आप इसको कोई भी मील के साथ इंजॉय कर सकते हैं, सिंपली आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। साथ साथ ये जो फ्राई की गई मिर्चें हैं इसमें, ये भी बहुत ही एडेड एक टेस्ट ऐड करती हैं सर्बी में। जब इसको आप सर्व करें तो इस तरीके से ऊपर से डाल सकते हैं चाट मसाला। मैं इसी तरीके से इसको सर्व करना प्रेफर करती हूँ, जिससे कि और भी चटपटी स्पाइसी हो जाती है ये अरबी। और बस इसको हल्का सा मिक्स करें और इंजॉय कर सकते हैं आप इस अरबी की सब्जी को, जो कि बिल्कुल ड्राई है तो खाने में बहुत ही कन्वीनियंट रहती है। चाहे आप लंच बॉक्स में सर्व करें, चाहे आप इसको ट्रैवल करते हैं तब बनाकर लेके जाएं, या कोई भी मील के साथ सर्व करें, ये सब तरीके से खाई जा सकती है और सब तरीके से बहुत इंजॉय करेंगे आप इसको। तो ऊपर से मैं इसको थोड़ा सा और गार्निश कर रही हूँ कटे हुए बारीक धनिया के साथ चाट मसाला डालने के बाद, जिससे कि देखने में और भी बढ़िया लग रही है ये सब्ज़ी। और ये आप देख सकते हैं हरी मिर्चें साथ साथ फ्राई की हुई, और क्लोज़अप में आप देख सकते हैं कि किस तरीके की बनकर आई है ये अरबी, जो कि बहुत ही क्रिस्पी कोटिंग आ जाती है इसके ऊपर, तो खाने में कितनी डिलीशियस लग रही होगी ये सब्ज़ी। ट्राई करेंगे आप तो आप खुद ही जान जाएंगे। तो इसको बनाइए, ट्राई कीजिए और ज़रूर से लिखकर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये रेसिपी, ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ साथ अगर मेरे चैनल की वीडियोज़ आपको आती हैं पसंद, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आई विल बी बैक सून विद अनदर इंटरेस्टिंग ग्रेट रेसिपी फॉर यू गाइज। टिल देन यू ट्राई मेकिंग दिस डिलीशियस अरबी की सब्ज़ी एंड हैव अ लवली टाइम विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। God bless, bye-bye and take care.